हेलो गाइस, मैं हूं लव स्नेही किन्नौर हिमाचल प्रदेश से। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो पर काफ़ी चर्चा हो रही है और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो चुका है। ये जो पूरा वीडियो है, इसमें एक छोटा सा लड़का परम पूज्य दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ। तो दलाई लामा जी लड़के को अपने पास बुलाते हैं और प्रेम से माथे टकराते हैं, गले मिलते हैं, होंठ से होंठ टकराते हैं और मजाक भी करते हैं। इसी बीच जीभ से जीभ टकराने की बात करते हैं। ये जो छोटा सा क्लिप है, जब बात करते हैं जीभ से जीभ टकराने की, उसे उठाकर किसी फेक आईडी द्वारा ट्विटर पर अपलोड किया गया था। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो फेक आईडी है किसी चाइनीज़ का है। वे तो वैसे भी चाहते हैं कि भारत तिब्बत का रिश्ता ख़राब हो, उसमें दरार आए और परम पावन दलाई लामा जी की छवि ख़राब हो। उन्होंने जो किया किया, पर उसमें सहयोग रहा हमारे ही कुछ लोगों द्वारा। एक बड़ी एक्ट्रेस कंगना रनावत उस छोटे से क्लिप के बेस पर परम पूज्य दलाई लामा जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं और कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो उन पर नज़र रखते हैं, हर एक्ट्रेस पर नज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं उसे कंटेंट चाहिए होता है, कहीं ना कहीं उसे छोटा सा न्यूज़ चाहिए होता है जिसे बड़ा चढ़ाकर वे अपने न्यूज़ चैनल में दिखा सकें। तो इसी छोटे से क्लिप को उठाकर ऐसे कुछ मीडिया वाले ने बड़ा चढ़ाकर एक अलग ही वे में दिखाया गया है, जो धीरे धीरे वायरल हो चुका है। शुरुआत में कुछ यूट्यूबर्स भी आए जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए। श्रद्धा आर्य जो एक सीरियल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए। बाद में जब छानबीन किए तब पता लगा, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। क्या ये मजाक चल रहा है? आप लोग बिना छानबीन किए एक धार्मिक गुरु पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो विश्व शांति गुरु माने जाते हैं, जो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, करुणा मैत्री की बात करते हैं। अब तिब्बती भाई बहनों ने ठान लिया है कि कभी लाइफ में जो कंगना रनावत की मूवी नहीं देखेंगे, और मैं आशा करता हूँ जो परम पूज्य दलाई लामा जी को अपने मूल गुरु मानते हैं, वे भी कभी अपने लाइफ में कंगना रनावत की मूवी नहीं देखेंगे। तो मैं बता रहा था कि ऐसे कुछ मीडिया वाले होते हैं जो फेस शो नहीं करते हैं, वीडियो चलाते हैं, फोटोज़ चलाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, एक अलग से ही न्यूज़ क्रिएट करते हैं। ऐसे वो न्यूज़ वाले हमारे अंदर ही लड़ाई करवाते हैं। ऐसे न्यूज़ वालों को रोकने की ज़रूरत है। उनमें से एक है ये न्यूज़ फॉर हिमालय। इसमें भी परम पूज्य दलाई लामा जी को अनाप शनाप कहा है, हमारे तिब्बती भाई बहनों के खिलाफ कहा गया है। ये जो न्यूज़ ऑनर है हिमाचल का ही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे न्यूज़ पेज के ऑनर और कंगना रनावत जैसे लोगों को, जो हिमाचल के होते हुए हिमाचल के अतिथि परम पावन दलाई लामा जी पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। और मैं हिमाचल वासियों की तरफ से हिमाचल सरकार से निवेदन करता हूं कि इस न्यूज़ पेज के जो ऑनर है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लें। और कुछ मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि अगर दलाई लामा जी की कोई गलती नहीं है तो वे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। अरे बेवड़े लोग, माफ़ी मांगने से कोई इज्जत नहीं जाती है किसी की। और जो माफ़ी मांगने का ढंग होता है, एक ऐसा होता है, अगर आप अच्छे काम कर भी रहे हो, किसी को बुरा लग सकता है, उससे माफ़ी मांगना, इस तरह की माफ़ी मांगा गया है। ऐसे लोगों के कारण, ऐसे मीडिया वालों के कारण हमारे तिब्बती भाई बहन ही नहीं, हिमालय क्षेत्र के ही नहीं, पूरे विश्व भर के लोगों को ठेस पहुंचा है। उसकी कुछ तस्वीरें हाल ही में जो लद्दाख में जुलूस निकाला गया, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ दलाई लामा जी के समर्थन में जो जुलूस निकाला गया है उसमें देख सकते हैं। और धर्मशाला में देखिए एक तस्वीर है जो एक बुज़ुर्ग महिला के आंसू रुक ही नहीं रही है। इसी तरह काजा में भी जुलूस निकाला गया, ये तस्वीरें हैं कर्नाटक की। इस टट्टू को देखिए, ये हमेशा भारत तिब्बत के जो संबंध है उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, भारत तिब्बत के संबंध में दरार लाने की कोशिश करता है, दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, ये चाइनीज टट्टू। तो जितने ऐसे लोग हैं, ऐसे मीडिया वाले हैं जो आरोप लगा रहे हैं दलाई लामा जी पर, पहले आप लोग दलाई लामा जी के बारे में जाने, तिब्बती कल्चर के बारे में जाने, तिब्बत जो भारत को अपना गुरु क्यों मानते हैं इस संबंध के बारे में जाने, इसमें दलाई लामा जी का क्या योगदान रहा इसके बारे में जाने। और सबसे अहम बात जो है, दलाई लामा जी का जो दूसरे लोगों से मिलने का जो स्वरूप है वो कैसा है, वीडियोस देखें, जाने, तब इस विषय में बात करें। तो मैं भी पिछले कुछ दिनों से वेट कर रहा था कि किन्नौर में भी कुछ होगा, तो हाँ कल शाम को ये नोटिस निकला है। हम किन्नौर के सभी वासियों को हमारे मुख्यालय रिकॉम्पियो के बजट भवन में एकत्रित होना है दलाई लामा जी के समर्थन के लिए,
ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। धन्यवाद।